अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि गार्डनिंग से जो भी रिलेटिव वीडियो रहेगा आपको सबसे पहले मिलेगा। तो देखिए, आज हम बात करेंगे 10 ऐसे फ्रूट प्लांट के लिए जो आप अपने छत गार्डन में लेके लगा के उसको में काफ़ी अच्छा फल ले सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा फल हो सकता है और उसका मेंटेनेंस भी काफ़ी कम करना पड़ेगा और काफ़ी कम मेंटेनेंस में भी वो काफ़ी अच्छा फ्रूटिंग करेगा और काफ़ी बेस्ट होता है। तो जो 10 फ्रूट प्लांट है, 10 फ्रूट प्लांट काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है और बहुत लोग इसको टेरेस गार्डन पर लगाया भी रहे हैं और उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी पा रहा है। तो 200 सबसे बेस्ट है और 200 काफ़ी अच्छा है। तो जो पहला नंबर पे जो वेराइटी है, वो वेराइटी आपका जो बोल रहा हूँ वो है आपका एप्पल वेयर वेराइटी। एप्पल वेयर वेराइटी छत गार्डनिंग के लिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा वेराइटी माना जाता है। एक गमले में लगाने के लिए, कंटेनर में लगाने के लिए नंबर वन वेराइटी इसको बोल सकते हैं, जो आपको काफ़ी अच्छा फ्रूटिंग आपको करके देता है काफ़ी कम समय में। और इसका एक और ख़ास बात ये, इसका जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी कम है, ना के बराबर इसमें मेंटेनेंस आता है और इसमें जो फ्रूट आता है बाकी जितना भी फ्रूट प्लांट है उससे ये काफ़ी 2 गुना ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग पकड़ता है। फ्रूटिंग इसमें काफ़ी अच्छा होता है, आप बोल सकते हैं 50 से लेके आपका 500 तक फ्रूटिंग इसमें पकड़ सकता है। वो आपका डिफरेंट करता है आप किस पॉट साइज में लगाए हुए हैं, पर मिनिमम आपका 50 से लेके 500 इसमें फ्रूटिंग पकड़ता है। फ्रूटिंग इसमें काफ़ी लाजवाब होता है, इसमें इतना ज़्यादा आपका फ्रूटिंग होगा एप्पल वेयर में कि आप खुद अब खा नहीं पाएंगे, आपको पड़ोसी को भी बांटना पड़ सकता है, आपको रिश्तेदारी में भी बांटना पड़ सकता है, इतना ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग होता है। तो एप्पल वेयर सबसे बेस्ट और सबसे नंबर वन वेराइटी बोल सकते हैं गमले में छत पे लगाने के लिए, क्योंकि इसके जितना फ्रूटिंग बाकी कोई फ्रूट प्लांट नहीं करता है। और तो इसके लिए सबसे बेस्ट मैं बोलूँगा वो है आपका एप्पल वेयर वेराइटी। एप्पल वेयर वेराइटी आप अपने छत गार्डन, होम गार्डन में ज़रूर लगाइए और लगा के इसका रिजल्ट देखिए, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है और काफ़ी बेस्ट वेराइटी ये भी है। तो एप्पल वेयर अपने छत गार्डन, होम गार्डन में ज़रूर लगाइए। अब जो आपका जो दूसरा नंबर पर जो वेराइटी है वो है आपका अमरूद का वेराइटी। अमरूद का वेराइटी जो होता है वो काफ़ी बेस्ट होता है, ये भी कंटेनर गमले में लगाने के लिए काफ़ी अच्छा वेराइटी माना जाता है। इसमें जो मेंटेनेंस होता है वो भी काफ़ी कम होता है। बहुत सारा ऐसा वेराइटी है जिसमें आपका काफ़ी कम मेंटेनेंस में भी काफ़ी अच्छा फ्रूटिंग करता है। तो जो अगर आप छत गार्डन में या कंटेनर में अमरूद का पौधा लगाने के लिए सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 वेराइटी काफ़ी बेस्ट होता है, एक थाईवन पिंक और दूसरा होता है हिसार सफ़ेदा। इसके बाद भी आप थाई 7, थाई 5, सुपर किरण, ये सब भी गमले में लगाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट पाते हैं। तो अमरूद काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है, ये आपको हर जगह काफ़ी अच्छी रिजल्ट देता है। ये नहीं कि आपका ऑल ओवर इंडिया जिधर भी आपका अमरूद होता है अमरूद का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। तो अमरूद तो आपको छत और गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि इसके जितना इसमें भी फल काफ़ी ज़्यादा पकड़ता है, काफ़ी कम मेंटेनेंस है और इसका जो ग्रोथ होता है वो भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ होता है, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आने लगता है। तो अमरूद का जो पौधा है उसमें 6 महीने में ही आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये भी गमले कंटेनर में लगाने के लिए बोल सकते काफ़ी अच्छा वेराइटी है, बहुत लोग इसको लगाए भी रहे और काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसमें मिल भी रहा है। तो जो अमरूद है वो लगाना चाहिए अपने छत गार्डन, होम गार्डन में, तो आप ज़रूर लगाइए, काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छा वेराइटी और काफ़ी बेस्ट वेराइटी चॉइस करके लगाइए। जैसे थाईवन पिंक सबसे नंबर वन होता है गमले के लिए, हिसार सफ़ेदा, थाई 5, थाई 7, सुपर किरण, ये सब भी आप लगा सकते हैं। अब जो आपका जो तीसरा नंबर पर जो वेराइटी बोल रहा हूँ फ्रूट प्लांट के लिए वो है आपका अनार का पौधा है। अनार पोमीग्रेट ये काफ़ी अच्छा माना जाता है घर के लिए लगाने के लिए और साथ ही साथ इसको आप चाहिए तो अपने छत गार्डन और कंटेनर में भी इसको काफ़ी अच्छा लगा सकते हैं। इसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है, इसमें भी रोग काफ़ी कम लगता है और इसमें जो फ्रूटिंग होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है फ्रूटिंग। तो अनार का जो पौधा होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और घर में लगाने के लिए इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग आपको मिलेगा। तो अनार में आपका जो बोल दो तो सबसे बेस्ट होता है थाई अनार हो गया, इसके बाद आपको देखा जाए तो
और भी थाई अनार सबसे बेस्ट माना जाता है, सुपर भगवा माना जाता है मेरे हिसाब से। मैं बोलूँगा तो थाई अनार आप लगाइए, ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देता है काफ़ी कम समय में। इसके बाद सुपर भगवा भी आप लगा सकते हैं, आपके एरिया में अगर अनार होता है तो आप सुपर भगवा भी लगा सकते हैं। इसके बाद भी अनार का ऐसा बहुत सारा वेराइटी है जो आप अपने छत गार्डन पर लगाया जा सकता है, पर अगर देखा जाए तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में अगर आपको जो वैरायटी लगाने के लिए सोच रहे हैं तो थाई अनार लगाइए। थाई अनार का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है और काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्रूट भी सेट होता है, काफ़ी कम समय में इसमें सेट होना चालू हो जाता है। इसके बाद भी आपका जो अगल बगल में वैरायटी मिलता है और आपके एरिया में अनार होता है तो आप कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आने लगता है। इसका एक और ख़ास बात है कि इसमें आपका साल भर का पौधा हो जाने पर इस पर काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग होता है और काफ़ी हेवी फ्रूटिंग होने लगता है। तो मिनिमम इसमें साल भर आपको टाइम देना पड़ता है, अनार का पौधे में साल भर का टाइम देंगे तो इसमें काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेस्ट रिजल्ट आने लगता है। तो जो अनार का पौधा होता है वो छत गार्डन होम गार्डन में ज़रूर लगाइए, इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट काफ़ी कम समय में आपको मिल जाता है और काफ़ी कम मेंटेनेंस भी लगता है, इसमें भी काफ़ी कम रोग भी लगता है, तो आप लगा सकते हैं अपने छत गार्डन होम गार्डन में। अब जो आपका जो चौथा नंबर पर जो वेराइटी है वो है आपका नींबू का। नींबू का पौधा गमले कंटेनर में लगाने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है ये भी, क्योंकि इसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है, काफ़ी कम समय में आने लगता है और इसमें जो आपका फ्रूटिंग होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। नींबू में अभी के डेट में देखा जाए तो बहुत सारा वैरायटी है कागजी नींबू में, तो अगर आप कागजी नींबू में भी लगाना चाहते हैं तो आप साईं सरबती लगा सकते हैं या बालाजी लगा सकते हैं, इसका जो रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा होता है और ये जो इसका जो खास बात ये है कि आपका गर्मी में काफ़ी अच्छा फ्रूटिंग करता है। बाकी और भी वैरायटी है जैसे आप लगा सकते हैं नींबू का पौधा अपने गार्डन में, मगर उसमें आपका गर्मी में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, मगर जो बालाजी है, साईं सरबती है और भी दो तीन ऐसा वैरायटी है जो आप अपने नज़दीकी नर्सरी में जाकर पता कर सकते हैं, तो वो आपको सजेस्ट करेगा जो आपको काफ़ी अच्छा वैरायटी आपको देगा, जो आपको गमले में लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, जो आपका गर्मी में काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग करे। देखिए नींबू का हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो पड़ता है वो गर्मी में ही पड़ता है, गर्मी में जो नींबू का आता है वो काफ़ी अति ज़्यादा ही अब ज़रूरत पड़ने लगता है, और इस सीज़न में देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ा था वो नींबू का पड़ा था और नींबू का जो भाव था वो कितना ज़्यादा हाई पे चला गया था। उस समय देखा जाए तो गार्डन में गमले में काफ़ी कम नींबू लगा हुआ था मेरे पास भी देखा जाए तो मैं यही सजेस्ट करूँगा जो आप ऐसा वेराइटी लगाइए जो आपको गर्मी में के समय में आपको काफ़ी अच्छा फ्रूटिंग करे और गर्मी के समय में आपको हार्वेस्टिंग अच्छा मिले। ऐसा नींबू का पौधा मत लगाइए जो आपको ठंडी के समय में मिले या बारिश के समय में मिले, तो आपको उसमें आपका उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको नींबू में अच्छा वैरायटी चॉइस करना है जो आपका गर्मी के समय में काफ़ी अच्छा फ्रूटिंग करके दे और हार्वेस्टिंग करके दे। तो नींबू का तो तीन वैरायटी है जो आप लगा सकते हैं और ये इजी ग्रो है, काफ़ी अच्छा इसमें रिजल्ट आने लगता है नींबू का भी। तो नींबू आपका गमले में कंटेनर में आपका हर जगह हो जाएगा, जिधर या आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। अब जो आपका जो पाँचवा नंबर पर जो वैरायटी है वो है आपका आम का पौधा। आम का पौधा देखा जाता है इसे बहुत लोगों का मुश्किल भी होता है, क्योंकि ये बोल सब लोगों का लगता है कि ये छत गार्डन में होगा या नहीं होगा, मगर आपको बतला दो जो मैंगो का जो प्लांट है वो आप छत गार्डन में इजी लगा सकते हैं, गमले में कंटेनर में इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आने लगता है। अभी के डेट में देखा जाए तो बहुत सारा ऐसा वेराइटी है जो आपको काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देने लगता है और काफ़ी अच्छा फ्रूटिंग भी होता है। जो देखा जाए तो अभी के डेट में आप आम का पौधा है वो आप अपने छत गार्डन में लगा सकते हैं, कंटेनर में लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा इसमें भी रिजल्ट आने लगा है आम का पौधे में। तो आम का मैं वैरायटी की बात करूँ तो अम्रपाली हो गया, बनाना मैंगो हो गया, इसके बाद जो हो गया अभी के डेट में अरुणिका है, ये सब काफ़ी ईजी गमले में हो जाता है और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट भी आने लगता है। तो ये भी आप अपने छत गार्डन होम गार्डन में लगाइए जिसमें आपका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है आम के पौधे में। आम का पौधा के याद बात याद रखिए कि वो वैरायटी मत लगाइए जो आपको मिनिमम 4-5 साल में आपका रिजल्ट आएगा वो भी ना आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आम के पौधे के लिए आपको अच्छा वैरायटी चॉइस करना पड़ेगा, तभी आपको गमले में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। अब जो आपका जो छठा नंबर पर जो वैरायटी है वो है आपका स्टार फ्रूट। स्टार फ्रूट भी देखा जाए तो ये भी एक काफ़ी अच्छा वैरायटी माना जाता है छत पे लगाने के लिए, गमले में लगाने के लिए। इसमें भी जो
काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आने लगता है। तो जो स्टार फ्रूट होता है वो आप छत गार्डन होम गार्डन में इसको लगाया जा सकता है। स्टार फ्रूट में देखा जाए तो अभी के डेट में जो सबसे बेस्ट वैरायटी माना जाता है वो थाई माना जाता है, क्योंकि थाई जो होता है वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देने लगता है काफ़ी कम समय में, और अच्छा स्वीटनेस में भी वो काफ़ी अच्छा होता है, टेस्ट में भी वो काफ़ी बेस्ट माना जाता है। तो स्टार फ्रूट अपने चाहिए तो छत गार्डन होम गार्डन में इसको भी आप लगा सकते हैं, इसमें भी आपका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है, काफ़ी कम मेंटेनेंस इसमें भी लगता है, मतलब आपका काफ़ी कम मेंटेनेंस में आपका काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसमें आने लगेगा। तो अभी देखा जाए तो आप अपने छत गार्डन होम गार्डन में इसको भी जगह दे सकते हैं, और ये भी आप चाहिए तो अपने छत गार्डन होम गार्डन में लगा सकते हैं। अब जो आपका जो सातवां नंबर पे जो वैरायटी है वो है आपका माल्टा मौसम्बी। माल्टा मौसम्बी ये भी एक काफ़ी अच्छा है जो अभी के डेट में आप अपने छत गार्डन में लगा सकते हैं। पहले सोचते थे कि क्या हमारे छत गार्डन होम गार्डन में होगा कि नहीं होगा माल्टा मौसम्बी, तो अभी के डेट में ऐसा बहुत सारा वैरायटी आ चुका है जो आपका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलने लगा है, और काफ़ी कम समय में इसमें भी फ्रूटिंग होता है, फ्रूटिंग भी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी अच्छा होता है। तो माल्टा देखा जाए तो अपने छत गार्डन में लगाने के लिए काफ़ी अच्छा है। माल्टा में आपको वैरायटी बोल दूँ तो सबसे नंबर वन पे जो वैरायटी आता है वो वियतनाम माल्टा होता है। वियतनाम माल्टा गमले के लिए छत गार्डन के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेस्ट वैरायटी माना जा सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा फ्रूट सेट होता है, काफ़ी कम समय में इसमें फ्रूट होना चालू हो जाता है। तो वियतनाम माल्टा सबसे बेस्ट नंबर वन वैरायटी आता है माल्टा में, जो आपको गमले कंटेनर में इसको लगाने के लिए। इसके बाद है आपका इंडियन सिकिंग कॉइन आ सकता है, पारी वन माल्टा आ गया है। इसके बाद और भी बहुत सारा वैरायटी है, वेलेंसिया माल्टा है। अभी के डेट में देखा जाए तो आपको बहुत सारा वैरायटी है जो आप इजी अब अपने गमले में कंटेनर में लगा सकते हैं, और लगाने के बाद भी इसमें आपका काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेस्ट रिजल्ट इसमें भी आप पा सकते हैं। तो माल्टा का पौधा अपने छत गार्डन होम गार्डन में ज़रूर लगाइए, और काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप ले सकते हैं। अब जो आपको सातवां नंबर पे जो वैरायटी बोल रहा हूँ वो है आपका अंगूर का। अंगूर का भी देखा जाए तो ऐसा अभी के डेट में आप अपने छत गार्डन में इसको लगाया जा सकता है, और इसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है काफ़ी कम समय में, क्योंकि अभी के डेट में देखा जाए तो अंगूर का जैसा बहुत सारा वैरायटी आ चुका है। देखा जाए तो जो सबसे आम तौर पे जो पूसा का वैरायटी है, पूसा का वैरायटी आप अपने चाहिए तो छत गार्डन में लगा जा सकता है। इसके बाद भी आपका बहुत सारा वैरायटी अभी के डेट में विदेश में भी आ चुका है, जो अभी के डेट में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आने लगा है आपका रूफटॉप गार्डन में। तो रूफटॉप गार्डन में अगर आप अंगूर का पौधा लगाने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले इसमें भी आपका वैरायटी चॉइस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अंगूर जो होता है आपका हर क्षेत्र हर राज्य में नहीं होता है, तो इसके लिए आपको वैरायटी चॉइस करना पड़ेगा। जैसे कि देखा जाए तो जो पूसा का जो वैरायटी होता है, तो पूसा का जो भी आपका ब्लैक हो गया, इसके बाद ग्रीन हो गया, तो वो आप चाहिए तो पूसा का जो भी वैरायटी है वो आपको ऑल ओवर इंडिया में इसमें लगा सकते हैं, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। इसके बाद भी विदेशी में ऐसा बहुत सारा वैरायटी आ चुका है जो आप अपने छत गार्डन में लगा सकते हैं, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको इसमें भी मिलेगा। तो जो पूसा का जो वैरायटी होता है अंगूर का वो आप लगाइए, या विदेशी वैरायटी होता है वो लगाइए, वो आपका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, काफ़ी कम समय में मिलेगा। अब जो आपका जो आठवां नंबर पे जो वैरायटी है वो है आपका, वो है आप संतरा भी आप अपने छत गार्डन में लगाया जा सकता है। एक समय था जो संतरा जो माना जाता था कि ये भी आपका ऑल ओवर इंडिया में नहीं हो सकता है या काफ़ी अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, मगर अभी के डेट में जो संतरा है वो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा काफ़ी कम समय में। देखिए सिट्रस में तो ऐसे पहले एक समय था जो माना जाता था कि छत गार्डन में नहीं लगा सकते क्योंकि इसका रिजल्ट नहीं आता है, पर अभी के डेट में ऐसा बहुत सारा वैरायटी आ चुका है जो आपको काफ़ी इजी और काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आने लगता है। तो जो ऑरेंज में ऐसा देखा जाए तो सबसे जो बेस्ट ऑरेंज का जो होता है जो आपको पूरा इंडिया में लगाया जा सकता है वो है आपका रामरंगन वैरायटी। रामरंगन वैरायटी काफ़ी अच्छा वैरायटी होता है गमले के लिए और कंटेनर के लिए, क्योंकि इसमें जो फ्रूटिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इसमें जो मेंटेनेंस होता है वो काफ़ी कम होता है। रामरंगन में मिनिमम आपका 10 से लेकर आपका
100 फ्रूट आपको लग सकता है आपका कंटेनर में, आपका इसमें काफ़ी जितना अच्छा आप मेंटेन करेंगे उतना ही अच्छा रामलंगन में आपका फ्रूटिंग होता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। रामलंगन के बाद भी देखा जाए तो आप जगह दार्जिलिंग जेंट हो चुका है, इसके बाद भी और भी बहुत सारा वेराइटी अभी के डेट में आया हुआ है जो आपका ईजी तो आपका ग्रो हो रहा है गमले में कंटेनर में। तो कंटेनर में अभी के डेट में ओरिजिन में अब बहुत सारा वेराइटी है जो आपका ऑल ओवर इंडिया किधर भी लगाया जा सकता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है काफ़ी कम समय में। तो रामलंगन और दार्जिलिंग जेंट हो गया, इसके बाद भी और भी बहुत सारा वेराइटी है जो आप अपने छत गार्डन में लगा सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब जब का 8वां नंबर पर वेराइटी है वो है आपका 9वां नंबर पर जो वेराइटी है जो आपको पूरा ऑल ओवर इंडिया में लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं वो है आपका सेब का पौधा। सेब का पौधा माना जाता है तो ये सिर्फ कश्मीर में ही होता था, मगर अभी के समय में आप पूरा इंडिया में लगा सकते हैं क्योंकि ऐसा बहुत सारा वेराइटी आ चुका है सेब में जो आपका पूरे किधर भी ऑल ओवर इंडिया लगाया जा सकता है। सेब में जो आपका 3 वेराइटी काफ़ी बेस्ट वेराइटी है, तो अब तीनों का तीनों जो हो गया, हरमन 99 हो गया, गोल्डन डस्ट हो गया, अन्ना हो गया, तीनों काफ़ी अच्छा वेराइटी है जो आपको छत गार्डन गमले में लगाया जा सकता है। इसका जो रिजल्ट आता है आपका एक साल बाद आपका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा क्योंकि एक साल पहले इसमें जो रिजल्ट आएगा उतना अच्छा आएगा नहीं, या कभी कभी फ्लावरिंग होगा मगर फ्रूटिंग नहीं होगा। तो अगर आप सोच रहे हैं एप्पल का पौधा लगाने के लिए तो आपको एक साल डेढ़ साल वेट करना पड़ेगा आपको अच्छा रिजल्ट आने के लिए। तो एक डेढ़ साल अगर आप वेट करते हैं तो आप इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं और ये गमले कंटेनर में लगाने के लिए काफ़ी अच्छा ये भी माना जाता है और काफ़ी अच्छा वैरायटी काफ़ी कम समय में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देने लगेगा। तो जो हरमन 99 है, अन्ना है, ये सब आप अपने छत गार्डन में आप लगा सकते हैं, काफ़ी इजी है, काफ़ी बेस्ट है और छत गार्डन में भी लगा सकते हैं, होम गार्डन में भी आप लगाया जा सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन है, बगीचा है तो वहाँ पर भी आप ये एप्पल का पौधा लगा सकते हैं। पूरे इंडिया में आपको हर जगह ये हो जाएगा, किधर भी आपका ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप अच्छा नर्सरी चॉइस कीजिए जहाँ से आपको अच्छा पौधा मिले, तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा काफ़ी कम समय में। अब जब का लास्ट 10वां नंबर पे जो वेराइटी है वो है आपका पपीता का। अब बहुत लोग बोलेंगे पपीता अभी के डेट में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, तो देखिए पपीता अपने छत गार्डन में आप लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है और एक साल में इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलने लगता है। तो पपीता जो होता है आप लगा सकते हैं, मैं भी इसका रिजल्ट देखा हूँ, मैं भी अपने छत गार्डन में लगाया हुआ हूँ और रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो जो पपीता का जो वेराइटी मैं बोलूँगा उसमें से सबसे बेस्ट और जो सबसे नंबर वन वेराइटी होता है जो अपने छत गार्डन में लगा सकते हैं वो है आपका रेड लेडी पपीता। अगर आप छत गार्डन में लगाने के लिए सोच रहे हैं ना कोई भी वेराइटी लगाने के लिए, तो आपको सबसे पहला आपको लगाना पड़ेगा रेड लेडी पपीता। रेड लेडी पपीता का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है गमले अथी ये आपको छत पे लगाने के लिए। पर एक बात याद कीजिए, रेड लेडी जो पपीता होता है आपको गमले में बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा इसको लगाने के लिए। रेड लेडी पपीता या तो आप 20x20 से ऊपर का ग्रो बैग में लगाइए या आपका जो 50 लीटर का जो ड्रम है उसमें आप इसको लगा सकते हैं, तब इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। रेड लेडी पपीता सबसे बेस्ट और सबसे नंबर वन वेराइटी होता है छत पे लगाने के लिए। इसमें जो फ्रूटिंग पकड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी हेवी फ्रूटिंग पकड़ता है, मतलब इसके जितना फ्रूटिंग बाकी कोई भी फ्रूट प्लांट में नहीं मिलता है जितना इसमें आपका फ्रूटिंग मिलता है। तो जो रेड लेडी पपीता होता है वो काफ़ी कम समय से इसमें फ्रूटिंग होने लगता है, काफ़ी हेवी फ्रूटिंग होता है, इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी कम मेंटेनेंस इसमें भी ज़रूरत पड़ता है। मगर याद रखिए रेड लेडी पपीता है वो आप अच्छा नर्सरी से ही लीजिए, जो आपका एकदम सर्टिफाइड नर्सरी होगा, जो आपका ओरिजिनल प्लांट देता है उसी से आप रेड लेडी पपीता का जो पौधा है आप लीजिए, क्योंकि रेड लेडी पपीता में बहुत ही ज़्यादा धोखा होता है, हद से ज़्यादा जो धोखा होता है वो रेड लेडी पपीता में ही होता है। क्योंकि जो रेड लेडी का जो पपीता होता है, आप कोई भी नर्सरी में जाइए तब कोई भी वेराइटी आप पूछेंगे तो वो आपको सिर्फ बोलेगा रेड लेडी पपीता है, मगर असल में वो रेड लेडी रहता भी नहीं है और जो रहता है वो मार्केट में जो बीज जिलाया रहता है वो बीज से बीज को सुखा के तैयार किया रहता है, जो
ओरिजिनल हाइब्रिड जो आता है, बीज आता है, वो आपको काफ़ी कम मिलेगा। जो रेड लेडी का बहुत नर्सरी वाले क्या करते हैं, जो मार्केट में रेड लेडी पपाया मिलते हैं उसी को बीज से ये लोग सुखा के तैयार करके बेचते हैं। तो आप अच्छा नर्सरी से लेंगे तो इसमें आपका काफ़ी अच्छा सीड मिलेगा और काफ़ी बेस्ट सीड मिलेगा। तो आपका सबसे बेस्ट रहेगा कि आप अच्छा नर्सरी से लीजिए रेड लेडी का, या आप सीड ले सकते हैं या इसका पौधा ले सकते हैं, कि कुछ भी आप लेके इसको लगा सकते हैं। तो आप अच्छा नर्सरी चॉइस कीजिए और अच्छा कंपनी का आप सीड लीजिए, तभी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा आपको गमले में, छत पे, कंटेनर में या ग्रो बैग में। अगर आप दूसरा कोई भी चीज़ का लेके आता है तो आपका रिजल्ट ना भी मिलेगा या कभी कभी तो उसमें फ्रूट भी नहीं लगेगा, और फ्रूट भी लगेगा तो आपका दूसरा वेराइटी का लगता है। तो अभी कभी भी याद रखें, तो जो आपको जो वेराइटी चॉइस करना है वो रेड लेडी का ओरिजिनल चॉइस करना है, ओरिजिनल ही सीड लेना है आपको, तब आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा आपका छत में के लिए। तो ऐसा ही अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक कीजिए, ताकि ऐसे ही गार्डनिंग से रिलेटिव वीडियो आपको देता रहूँगा। जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।